हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल लाइफ हेल्थ। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ स्वरांजलि। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ज़्यादा सेक्स करने के नुकसान। जो लोग ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाते हैं उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज हम इसी बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। अधिक सेक्स करने से साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, आपको इसके क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। नंबर एक, ज्यादा सेक्स करने वाले लोगों को थकान महसूस होती है। नंबर दो, जो पुरुष ज़्यादा सेक्स करते हैं उनके प्राइवेट पार्ट पे घाव या फिर छाले हो जाते हैं। नंबर तीन, ज़्यादा सेक्स करने वाले लोगों को चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। नंबर चार, ज़्यादा सेक्स करने वाले लोगों को कमर दर्द की समस्या बन जाती है। नंबर पाँच, जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं उन्हें आँखों की कमजोरी की समस्या बन जाती है। नंबर छः, एक बार में बहुत बार संबंध बनाने से औरतों के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नंबर सात, जो लोग 50 से ऊपर के होते हैं और वो ज़्यादा सेक्स करते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। नंबर आठ, हमारे शरीर को ज़्यादा सेक्स की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि आप ज़्यादा सेक्स करते हैं तो आपको इसकी लत पड़ जाती है जो कि दिमागी समस्या का कारण बन सकती है। नंबर नौ, मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। सेक्स का एडिक्शन लोगों के रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स के बीच में तनाव बढ़ जाता है। इसलिए सेक्स एडिक्शन भी मानसिक समस्या हो सकती है, और यदि आप इस समस्या से खुद को बचाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से बात करें। जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन का खतरा बहुत अधिक सेक्स का एक साइड इफेक्ट है। खासकर फीमेल्स पार्टनर्स के लिए इन्फेक्शन का खतरा काफी हाई होता है, तो वहीं पुरुषों को भी इन्फेक्शन सहित कई परेशानियां हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों।